भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यूट्यूब के बाद अब टिकटॉक पर भी छाई रानी चटर्जी, क्वीन ऑफ भोजपुरी। रानी चटर्जी का जवाब नहीं, चाहे फिल्म हो या म्यूजिक एल्बम, हर जगह रानी का सिक्का चलता है। ये एक बार फिर साबित हो गया है जब YouTube के बाद अब डिजिटल मीडिया की नई खोज TikTok पर भी वे छा गई हैं। दरअसल रानी ने हाल ही में TikTok पर एक वीडियो बनाया था जिसे महज 8 घंटे में 50 लाख बार देखा गया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो रानी ने साल के पहले ही हफ्ते में बना लिया है। यूं तो आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम कलाकार टिकटॉक वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, मगर इतने कम समय में इतने व्यूज सिर्फ रानी के वीडियो को ही मिल पाया है। रानी इससे काफी खुश है और कहती हैं कि भोजपुरी की जनता ने मुझे बहुत प्यार और उम्मीद दिया है, इससे मैं एनर्जी लेती हूँ और उनके मनोरंजन के लिए दिल से काम करती हूँ। मेरे टिकटॉक वीडियो को जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही कहना चाहती हूँ कि मेरा यह वीडियो नए साल की शुभकामनाओं के साथ मेरे फैंस के लिए एक तोहफा था जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। बता दे कि इससे पहले रानी चटर्जी ने 2018 में अपने YouTube चैनल से कई म्यूजिक वीडियो जारी किए जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया। भोजपुरी फिल्मों के हर एक अपडेट्स जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद भोजपुरी फिल्मी तड़का।